पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड आखिरी T20 मैच खेलने के बाद अब ये आप देख रहे हैं कि टीम नेपियर से तिरंगा पहुंची है। बस के ज़रिए पाकिस्तानी टीम यहां तिरंगा पहुंची है। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम के असिस्टेंट कोच, शाहिद असलम और ये मूसा खान, ये पाकिस्तानी टीम अब यहां तिरंगा इकट्ठी हो रही है, जहाँ शाहीन के लड़के भी तिरंगा में मौजूद हैं। और यहाँ से ये शाहीन शाह अफरीदी आपको डिटेल्स बताते हैं कि पाकिस्तानी टीम के अब खिलाड़ी कहाँ कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे खिलाड़ियों ने अब अलग अलग हो जाना है। जो T20 प्लेयर हैं वो अब पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से T20 खेलेंगे। ये हारिस रूफ अलविदा हो रहे हैं, ये वहाब रियाज भी मिल रहे हैं, क्योंकि अब ये वहाब रियाज, हारिस रूफ, ये हुसैन तलत, ये तमाम लड़के अब न्यूजीलैंड ए के खिलाफ T20 खेलेंगे। और यहाँ से टेस्ट स्क्वाड जो है वो अब अलग हो जाएगा। ये नसीम शाह पहुँचे हैं तिरंगा, ये पाकिस्तान की टेस्ट टीम है जो कि तिरंगा पहुंची है। और यहाँ से ये अजहर अली, अब जो शाहीन्स के लड़के जो चार रोज़ा मैच खेल रहे थे अब वो पाकिस्तान स्क्वाड में चले गए हैं। और जो न्यूजीलैंड में T20 सीरीज पाकिस्तानी टीम ने खेली है उसके जो लड़के हैं वो पाकिस्तान शाहीन में चले गए हैं। उसमें से मोहम्मद हफीज़ को रिलीज़ कर दिया गया है, वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। इसके अलावा इमाद वसीम जो हैं वो बिग बैश खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आज रवाना हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की टेस्ट टीम के खिलाड़ी हैं जो कि पहले शाहीन्स में रह के चार रोज़ा न्यूजीलैंड ए के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, अब ये पाकिस्तान टीम के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। ये सुहेल खान, ये मोहम्मद अब्बास, और जो T20 के बॉयज़ थे जिसमें मूसा, हारिस रूफ, वहाब रियाज, हैदर अली, अब्दुल्ला शफीक, अब ये न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शाहीन्स की तरफ से T20 सीरीज़ खेलेंगे। फहीम अशरफ भी टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए और पाकिस्तान टीम के जितने भी खिलाड़ी थे वो सारे एक जमा हुए हैं आज। और उसके बाद ये अलग अलग हो गए तमाम लोग, ये आप देख सकते हैं। बाबर आजम, हैदर अली हैं और ये रिजवान है विकेट कीपर जो कि टेस्ट टीम में अब कप्तान होंगे। ये शाहीन शाह अफरीदी और ये मूसा खान। ये पाकिस्तान टीम आखिरी T20 मैच खेलने के बाद नेपियर पहुंची है और यहाँ से खिलाड़ी अलग अलग हो रहे हैं, यहीं से ही अलग अलग हो रहे हैं। जिन्होंने T20 सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड ए के खिलाफ वो तमाम लड़के जो है वो चले जाएंगे कोच इजाज अहमद के पास। देखें ये हारिस, मूसा, वहाब रियाज, ये यहीं पे अलविदा कर रहे हैं अपने साथियों को। इन्होंने जाके पाकिस्तान टी जो पाकिस्तान ए की जो 2020 टीम है उसको जाके इन्होंने ज्वाइन करना है। और ये हुसैन तलत भी दूसरी टीम के अंदर चले जाएंगे जो कि पाकिस्तान शाहीन्स बन रही है। और टेस्ट की जो ये टीम है ये देखें, ये नसीम शाह पहुंचे हैं रिजवान की टीम को ज्वाइन करने के लिए, अजहर अली पहुंचे हैं रिजवान को ज्वाइन करने के लिए। और ये अजहर अली पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, ये लोग टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम यहाँ तिरंगा में इकट्ठी हो रही है। ये फवाद आलम, ये पहले इजाज़ अहमद की कोचिंग में सब लोग पाकिस्तान शाहीन्स का हिस्सा थे।